तो दक्ष भाई, मैं आपसे चाहूँगा कि अभी एक बार अपना जो ये फोर्ट है वो दिखाएं, क्योंकि वीडियो के बाद में बहुत सारे लोग लोकेशन को देख के डिमांड करेंगे, तो मैंने इसलिए सोचा कि क्यों ना दिखा दिया जाए तो उनकी डिमांड भी पूरी हो जाए। तो अभी अपने जो फोर्ट है इसका नाम क्या है? इसका नाम है पुष्कर फोर्ट। पुष्कर फोर्ट, और ये पुष्कर में किस एरिया में पड़ता है? ये गनाहेड़ा विलेज, गनाहेड़ा मोतीसर रोड। ओके, तो अभी चालू है? अभी तो बंद होगा? नहीं, अभी चालू है। चालू है, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से ऐसा कुछ लीगल ऑर्डर आया नहीं है कि बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिए, हाँ, तो इसीलिए अभी चालू है। ओके, तो हम एक बार दोस्त आपको दिखाते हैं। ये फोर्ट है, ये इसका रास्ता है सीधा, है ना? ये एंट्रेंस है, ये अपना मेन रिसेप्शन है। ये मेन रिसेप्शन, अंदर ही कॉन्फ्रेंस हॉल है। अच्छा, सब कुछ अंदर बना रखा है। ये बतख के लिए अलग से केज है। अच्छा, बतख वगैरह के लिए? हाँ, अच्छा बड़ा है। तो अभी बतख वगैरह के घूमने गई है क्या? हाँ, ये बतख तो कहीं पे भी घूम लेती है, कोई दिक्कत है ना? जगह भी बड़ा है ना, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होती घूमने में। बाकी इधर क्या, स्विमिंग पूल वगैरह के ऊपर? हाँ, आ जाइए ऊपर, अपना रेस्टोरेंट है ऊपर। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कि आ तो सकते नहीं है सारे लोग, पर बहुत सारे लोग क्या देख के देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, बढ़िया भी है, जानना चाहिए। ये अपना रेस्टोरेंट एरिया। अच्छा, रेस्टोरेंट टाइम से बना दिया है। ये ओपन, जो ओपन सेटिंग होगी अंदर क्लोज रेस्टोरेंट। अच्छा अच्छा, हाँ जी। बाकी लोकेशन भी काफी अच्छी है ना? बिल्कुल, हाँ, 2005 का सेटअप है अपना होटल। ये रूम्स है इस बिल्डिंग में, सामने पूरे रूम्स है। ये मेन अपना पूल है बीच में। ये स्विमिंग पूल है क्या? हाँ, पांच है। अच्छा, अलग अलग साइज के पांच पूल है। वही थी बच्चों के लिए। पिछले लॉकडाउन में मैं स्विमिंग पूल जाने वाला था, हाँ हाँ, पर जब से कोरोना चल रहा था जा ही नहीं पाए। अभी गेस्ट कम ही आ रहे हैं तो इसलिए। अच्छा, बच्चों के हिसाब से ऐसे होगा यानी क्या ना? अभी साफ नहीं है। ये थोड़ा गहरा होगा मेरे हिसाब से, है ना? ये बीच वाला 4.5 फीट। अच्छा, हाँ, बाकी ढाई। ये बच्चों के हिसाब से है ना? ढाई फीट, 3 फीट। दक्ष भाई, ये सब अपने रूम वगैरह बने हुए है ना? हाँ जी, ये अपने रूम है। तो ये किस किस कैटेगरी के रूम है अपने पास में? चार कैटेगरी के रूम्स है। फर्स्ट जो बेस कैटेगरी होता है वो स्टैंडर्ड है। तो एक बार मैं चाहूंगा कि कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा सा रेंट में तो ऊपर नीचे होता रहता होगा आपके यहाँ, तो है ना? बिल्कुल होता। तो आप मिनिमम जो भी हो एक बार बता दें। हाँ, एवरेज जो भी, मतलब ज्यादा कर जो रहता है वो ऐसा है कि स्टैंडर्ड जो रहता है अपना 3,500 रहता है। अच्छा, ये जो रेटे बता रहा हूँ मैं आपको विद ब्रेकफास्ट और GST जो टैक्सेस होगा, अच्छा, वो इंक्लूड करके है। ओके, फिर जो हवेली है जो इससे ऊपर वाली कैटेगरी है, हाँ, उसका 4,500 रहता है। 4,500, हाँ जी। फिर जो अपना रीगल हेरिटेज है तीसरी कैटेगरी, उसका 6,000 विद ब्रेकफास्ट विद टैक्सेस। ओके, और जो फोर्थ अपना स्वीट कैटेगरी है वो सबसे महंगा है, जो 8,000 रहता है। 8,000 रहता है, ऐसा है। तो उनके ये अभी ये जो सामने अगर बात करें तो ये किस कैटेगरी के रूम है? ये जो आप देख रहे हैं ये हवेली है। हवेली है, वो भी हवेली कैटेगरी है। तो इस हवेली के अंदर और क्या क्या रहता है? हवेली कैटेगरी का ऐसा है कि स्पेस जो है, स्पेस आपको अच्छा मिल जाएगा, तीन जनों के हिसाब से, और थोड़े फीचर फैसिलिटीज भी ज्यादा रहती है, और लोकेशन भी अच्छी है ना? लोकेशन भी अच्छी है। स्टैंडर्ड हमारे पास कम ही है, स्टैंडर्ड मात्र 8 स्टैंडर्ड है। तो अभी अपने यहाँ पे अगर बात करें तो ये कितने रूम का अपना फोर्ट होगा? 72। हाँ जी, 72 रूम्स है। जब भी बहुत हो जाते हैं यार, 72 बहुत है, क्योंकि मेन क्या पुष्कर जो है डेस्टिनेशन वेडिंग के हिसाब से चलता है। तो अभी जैसे कि अगर बात करें कोरोना के वक्त के बाद में कैसा हालात चल रहे अभी, होटल हो या रिसोर्ट हो, फोर्ट हो, क्या हालात चल रहे अभी? कोरोना के साथ साथ सावो जो कि जो सावे नहीं होते अपने शादियों वाले, हाँ, तो उन्होंने भी मार दिया है, बिकॉज सावे भी नहीं है अभी, सावे बहुत कम है। क्योंकि 50 आदमी की है तो वो तो अपने बगल वाले प्लॉट में भी कर सकते हैं 50 आदमी भी। बाकी पिछले साल जहाँ इस जो पहले जो 5 महीने 6 महीने होते हैं साल के, उसके अंदर जहाँ 15 सावे थे, अब की बार वो 5 ही सावे हैं। सावे बड़े कम है तो शादियां उठेंगी कैसे जब तक मुहूर्त नहीं होएगा? तो उसकी वजह से भी दिक्कत आ रही होगी। वजह से भी काफी दिक्कत आ रही है। नहीं, बाकी लोकेशन आपके यहाँ की बहुत अच्छी है ना? थैंक यू। आदमी फोटोग्राफी के हिसाब से भी पैसे वसूल हो जाएं उसके, है ना? आजकल क्या है, आजकल क्या है कि फोटोग्राफी के शौकीन भी बहुत हैं, तो उनका भी पैसा वसूल हो जाए। ये नीचे जाने के लिए रास्ता, अच्छा बंद है इधर से, है ना? ये तो बंद है। बाकी ये अंदर का अंदर क्या बना हुआ है इधर की तरफ अगर बात करें तो? ये अपने रीगल हेरिटेज वाले रूम्स है। अच्छा, ये जो पत्थर वाली बिल्डिंग आप देख सकते हैं। तो ये किस कैटेगरी के रूम है? रीगल हेरिटेज। अच्छा, टॉप जो सेकंड कैटेगरी है। हाँ हाँ हाँ,
बाकी जो मेले के टाइम पे तो मेरे को लगता है फुल रहता होगा। हाँ, मेले के टाइम पे तो फुल रहता है, पर अभी 2 साल से तो मेला ही नहीं लगा। 2 साल से तो यानी कि मेरे को लगता है फुल होने के लिए ही आप देखते होंगे कि फुल कब होगा। वही है पर आएगा। अब की बार क्या है, लगता है कि मेला लग पाएगा क्या पुष्कर का? अब की बार जनवरी में देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मेला लग जाएगा, है ना, पर अभी की स्थिति को देखते हुए थोड़ा फिर दोबारा सा कह नहीं सकते हैं। और कुछ है अपने यहाँ यूनिक जो अपन लोगों को दिखा सके? मेन तो ये है कि पूरा जो हेरिटेज स्टाइल में है। हाँ। और ये जो कलर है ये बड़ा यूनिक है, ये कलर रजिस्टर ही हमारे वजह से हुआ है। अच्छा अच्छा। ये कलर जो है रॉयल, इसको शायद ब्राउन है ऐसे करके नाम है इसका। हाँ। ये पहले रजिस्टर्ड नहीं था एशियन पेंट्स में। ओके। फिर हमने जब इसको मिक्स करवा के बनवाया कई बार तो तब जाके अब एशियन पेंट्स में रजिस्टर हुआ है, तो ये कलर काफी यूनिक है। ओके। अगर अपने यहाँ पे अगर अपन बात करें स्टाफ की तो कितना स्टाफ, अभी तो लॉकडाउन की वजह से कम होगा स्टाफ, है ना, कम है, वैसे कितना स्टाफ रहता होगा अपने यहाँ? हाँ, वैसे नॉर्मली अपने 50 से 70 लोग काम करते हैं। 50 से 70 लोग उसमें रेस्टोरेंट वाले, किचन वाले, हाउसकीपिंग वाले और सब कुछ, 50 से 70 लोगों। नहीं, वास्तव में अच्छा बना हुआ है, लोगों को भी देख के मजा आ जाएगा। थैंक यू। लॉकडाउन चल रहा तो घर पे बैठ के यार लोग भी कुछ यूनिक देखे तो ज्यादा अच्छा है ना। हाँ, टाइम तो यूटिलाइज होए रही तो। हाँ बिल्कुल। ये अपना ऊपर जो है ये ओपन टेरेस है। अच्छा। तो वहाँ पे भी कोई फंक्शन हो सकता है, और स्पा जो है अभी बंद है, स्पा भी ऊपर है। अच्छा, स्पा भी ऊपर है। हाँ, स्पा भी बंद है बिकॉज कोविड। अच्छा, शादी विवाह के फंक्शन वगैरह भी होते होंगे, है ना? हाँ, जैसे अलग अलग हो जाता है, ऊपर लड़के वाले नीचे लड़की वाले, उस हिसाब से। इसलिए 2 ब्लॉक से ऊपर वाला नीचे वाला बराबर से रूम है दोनों। ओके। हाँ, थैंक यू दक्ष भाई अपना रिसोर्ट और जो फोर्ट है वो लोगों को दिखाने के लिए। वेलकम। ओके।